EBS chapter 9 its training. Okay, question 1 is fill in the blanks with the correct words. इसमें क्या करना है, फिल करना है करेक्ट वर्ड्स. फर्स्ट इज रेन इज नेसेसरी फॉर अस. रेन हम सबके लिए क्या है, नेसेसरी मीन्स होता है इम्पोर्टेंट. तो हम सबके लिए रेन क्या है, जरूरी है. जब रेन होती है, बारिश होती है, तभी क्या होता है, प्लांट्स ग्रो करता है, तभी हमें वाटर मिलता है पीने के लिए. तो रेन इज नेसेसरी फॉर अस, हम सबके लिए वाटर इंपॉर्टेंट है. वाटर हमें कहाँ से मिलता है, रेन. रेन इज अ मोस्ट सोर्स ऑफ वाटर. सेकेंड इज वेन इट डज नॉट रेन इन रेनी सीजन एवरी वन फील्स सैड. जब क्या नहीं होती है, बारिश नहीं होती है रेनी सीजन में, तो सबके सब क्या हो जाते हैं, बहुत सैड, उदास हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जब वाटर नहीं होता है तब क्या हो जाता है, वाटर की कमी हो जाती है और सूखा पड़ जाता है, तो सबके सब क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं. थर्ड इज रेन इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस. वाटर हमें सोर्स मतलब होता है जहां से हमें मिलता है, ठीक है. तो फर्स्ट सोर्स क्या है वाटर का, रेन. ओके, नेक्स्ट फोर इज समटाइम्स वी सी रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेनफॉल. जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद आप देखते होंगे बारिश के बाद क्या होता है, रेनफॉल होता है, सॉरी रेनबो बनता है, इंद्रधनुष, जिसमें 7 कलर्स होते हैं. तो ये किसके बाद होता है, आफ्टर रेनफॉल. फाइव इज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय वाटर इवेपोरेशन. क्लाउड्स मीन्स होता है जो बादल होते हैं, आपने बादल देखे होंगे. फॉर्म्ड बाय बनते हैं इससे वाटर इवेपोरेशन. वाटर इवेपोरेशन मतलब होता है भाप. और कहाँ से होती है ये जो वाटर की भाप, कहाँ से बनती है, जो सी रिवर लेक्स होती है. तो ये जब इनका सन की रेज वाटर पे पड़ती है, वाटर बॉडीज होते हैं ये सब, तो जब वाटर बॉडीज पे सन की रेज पड़ती है तो क्या होती है, भाप बनती है. आप घर में भी देखते होंगे जब बॉयल होता है वाटर, तो वाटर बॉयल होने से क्या बनता है, इवेपोरेशन, वेपर बनती है, भाप बनती है. तो जब भाप बनती है तो क्या बनता है, तो ये आउटसाइड क्या करते हैं, आसमान की तरफ भाप होती जाती है, तो क्या बनते हैं, क्लाउड बनते हैं. आपने इसे चैप्टर 9 राइट करना है और आपने इसे रीड भी करना है.